आज मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। पीयू का बर्थडे था और मैं और मेरी फ्रेंड केक पिक करके साथ में जाने वाले थे। हम बातों बातों में हमें ध्यान ही नहीं रहा और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हम केक तो रिक्शा में ही भूल गए और हम एक दूसरे के ऊपर इस बात के लिए एक्यूज़ करने लग गए कि वो हमारी वजह से या तुम्हारी वजह से हम केक भूल गए। और इसी तरह हमारा ये कॉन्वर्सेशन ब्लेम गेम में कन्वर्ट हो गया। हम इसी तरह के ब्लेम गेम हमारे घर में, वर्कप्लेस में और हमारे आसपास भी देखते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही नहीं बल्कि हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे फेलियर्स के लिए भी दूसरों को ब्लेम करते हैं। और जब हमें कोई ब्लेम करने के लिए ना मिले तो हम किस्मत या भगवान को भी अपने प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार मान लेते हैं। जब भी कोई गलती हो जाती है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बहुत अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है खुद की ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा, गलती एक्सेप्ट करने से ज़्यादा इजी है ब्लेम करना। वो इसलिए क्योंकि अगर हमने हमारी गलती एक्सेप्ट की तो हमें चेंज होना पड़ेगा, और चेंज होने में एफर्ट करने से इजी है कि हम दूसरों को ब्लेम करें और सिचुएशन से छूट जाए। और अगर हम इसी तरह हर चीज़ में लगातार ब्लेमिंग करते रहे तो इससे दो चीज़ें होंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हम मिस्टेक से ही सीखते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो ये लर्निंग का प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। और दूसरा ये कि जब हम एक दूसरे को छोटी छोटी बातों में कंटिन्यूसली ब्लेम करते हैं तब हमारे रिश्तों से कंफर्ट चला जाता है और हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई और गलती करे तो उसे भी हमें पूरा मौका देना है कि वो अपनी गलती सुधार सके, ना कि उसके ऊपर लाइफ लॉन्ग के लिए ही टैग लगा दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फैमिली फंक्शन में किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उससे अनजाने में छोटी सी भी गलती हो जाती है तो जिसने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो बिना सोचे समझे उसको बहुत ज़्यादा ब्लेम तो करता ही है, और साथ ही साथ आने वाले सभी फंक्शंस के लिए उसको ये याद दिलाया जाता है कि उसने क्या गलती की थी। तो इससे वो इंसान आगे से किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम गलती करें तो बिना किसी को ब्लेम किए हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और अगर कोई और गलती करे तो उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें कि वो आसानी से अपनी गलती एक्सेप्ट कर सके। तो क्या कहते हो, नहीं होगा? ट्राई तो करो, हो जाएगा।